दर्ज होगा कि सनातन में आस्था रखने वाले हर एक भारत के नागरिक इस पल को याद करके हमेशा गौरवान्वित होंगे। हमारी सदी में इससे पहले की शताब्दियों में अभी तक ऐसा दिन नहीं आया, और ये दिन किस तरीके से आया है ये एहसास करने भर को है। ये अयोध्या के पावन नगरी की वो खास तस्वीरें जिसके लिए सालों साल हम सभी ने इंतजार किया, और आज जय श्री राम के नारे के साथ और उस भाव के साथ यहाँ जो भी लोग पहुँचे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि मानव के हाथ में ये नहीं है कि किसी को हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं यहाँ एक एक करके वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं पीएम मोदी के काफिले की तस्वीर अब कुछ ही देर में मिलनी शुरू हो जाएगी, और ये पीएम मोदी के काफिले की तस्वीरें हैं जहाँ मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं। इंतजार बहुत बड़ा है, बहुत लंबा रहा है, और आज जब पीएम मोदी वहां पे पहुंचेंगे उसके बाद आप उस वक्त जो लोगों के चेहरे का भाव पढ़ेंगे। पहली तस्वीर में आप सचिन तेंदुलकर को भी देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो एक के बाद एक चेहरे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये सब अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपके सामने इस बात को रख रही थी कि ये मानव के हाथ में नहीं है कि किसी को यहाँ पे इनवाइट किया जा सके। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, वहाँ जो भी है अयोध्या नगरी में इस वक्त जो भी है वो सब प्रभु श्री राम की कृपा से, उनकी छत्र छाया में और उनके आशीर्वाद से ही वो सभी यहाँ पे इस पल का गवाह बन रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या नगरी में है वही सौभाग्यशाली है। हम सब भारत के जिस भी कोने में जिस भी जगह पे हैं अपने आप में प्रभु श्री राम को याद करके उनके भाव को महसूस करके इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि ये दिन ये शुभ घड़ी लंबे इंतजार के बाद है। और ये अमित शाह की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाएं, जिन जिन केंद्रीय मंत्रियों को या बीजेपी के प्रमुख चेहरों को कहीं वहां पे वो नहीं है, ये बिरला मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना मन में यही भाव की जो अयोध्या में हो रहा है वहां नहीं है तो क्या हुआ, जहां पे है भगवान को उसी तरीके से याद करनी है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर परिसर की पहली तस्वीर जहां पे वीवीआईपी की मौजूदगी, कुमार विश्वास जो कि राम के बारे में जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर एक बार फिर हम आपको बिरला मंदिर की दिखा रहे हैं जहां पे अमित शाह की मौजूदगी है, और ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने शुरुआती वक्त में राम प्रभु श्री राम से जुड़ा जो आंदोलन रहा है उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। आज इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं है कि वो अयोध्या में है या बिरला मंदिर में है। ये पहली तस्वीर बेहद खूबसूरत तस्वीर है। तो हम सबके राम अयोध्या में पधारे हैं, अवध में पधारे हैं, हम सबके घर में पधारे हैं, और इसीलिए हर घर में आज मंगल गीत गूंज रहा है, हर घर में भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, हर घर में भजन सुनाई दे रहा है, और वैसी ही तस्वीर अयोध्या से भी कुछ मिलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। रजनीकांत इस वक्त टीवी पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं एक एक करके उन सभी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रणबीर कपूर अब इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, विकी कौशल पहुंचे हुए हैं वहां पर, कैटरीना कैफ को इस वक्त आप देख रहे हैं,